हेलो बच्चा पार्टी, इंडक्टर के प्रॉब्लम्स बड़े ही प्राण घातनी होते हैं। कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कैसा बिहेव करेगा। तो बहुत ही ईजिएस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कब इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा। लेट मी टेल यू वन थिंग बच्चा पार्टी, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास में एक इंडक्टर है। इफ़ आई टॉक अबाउट अ काइंड ऑफ इंडक्टर, अगर हम बात करें एक इस तरह से इंडक्टर का, और इस इंडक्टर के साथ हमने कनेक्ट किया यहां पर एक बैटरी। जैसे ही इसमें करंट चालू होता है, जैसे ही हम यहां से स्विच को टैप करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, और इसके प्लस माइनस वाले टर्मिनल से यहां प्लस पर से करंट स्टार्ट हो जाती है, तो स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये जो इंडक्टर है ये अपने में से करंट को फ्लो होने ही नहीं देता, जस्ट बिकॉज ऑफ लेंज़ लॉ। बच्चा पार्टी, लेंज़ ने ये कहा था कि हर एक चेंज का ये अपोज करेगा, तो ये करंट का चलने की वजह से ही इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये करंट आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, करंट में थोड़ा सा भी राइज अप होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। इसी वजह से बच्चा लोग, जब भी टी इज इक्वल टू जीरो आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में दिखाई दे, तो ये जो इंडक्टर है, दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ ओपन वायर। ये आपको एक ओपन वायर की तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा। यानी स्टार्टिंग में अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ है इंडक्टर के अक्रॉस में तो वो चालू हो जाएगी, लेकिन खुद इंडक्टर एक्सेप्ट नहीं करता। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि यहाँ पर एक लाइट है स्टार्टिंग में, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर ओपन वायर की तरह बिहेव करता है, तो पूरा का पूरा जो करंट है वो पूरा का पूरा जो करंट है बच्चा लोग वो यहाँ से जाकर के सीधा लाइट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर बात करते हो ना, तो ये जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर वो एक क्लोज वायर की तरह बिहेव करता है। दैट विल बिहेव लाइक अ क्लोज वायर, दैट विल बिहेव लाइक अ क्लोज वायर। दैट मीन्स कि ये लाइट की इंटेंसिटी पहले जितनी थी ना, अब थोड़ी सी कम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, सम पार्ट ऑफ द करंट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द इंडक्टर। वेल, इट्स डन। सो ये आप बहुत बड़ी बात है जो इतने शॉर्ट समय में आप समझ रहे हो, और ऐसे ही बेहतरीन चीज़ें देखने के लिए बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली बच्चा लोग, बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु फैमिली। सो इट्स डन। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इट विल बिहेव लाइक अ ओपन वायर, बट एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इट विल एक्ट लाइक अ क्लोज वायर, कंडक्टिंग वायर, और यू कैन से द प्लेन वायर, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो डोमिनेट तो करेगी ही, ये चाहे कितना भी अपोज कर ले, ये यहाँ पर इसका अपोज करता हमेशा ये अपोज नहीं कर सकता है। सो इट्स डन, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।